बहुत मुश्किल लगता है अब मुझे आकर यूनिवर्सिटी जाना पढ़ना। उफ, यूनिवर्सिटी के लड़कों का कुछ नहीं हो सकता। मेरे पापा और उनकी चलाकियां। यार मैं लेट हो रही थी, पहले मैंने सोचा खाली दूध पी लेती हूँ, बट अब मैं साथ चावल भी खा रही हूँ। चावल एंड मसर विद मिल्क इज माय ब्रेकफास्ट। शायद नॉर्मली लोगों का ब्रेकफास्ट नहीं होता, बट कोई बात नहीं, यहाँ सब चलता है, अपनी मर्जी से खाओ जो मर्जी खाना। हेलो गाइस, फातिमा और उसकी चलाकियों के चैनल में आपका वेलकम है। तो आज यार मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी फाइनली। मैं कभी कभी यूनिवर्सिटी में अपनी शक्ल दिखा देती हूँ कि मैं जिंदा हूँ। बहुत मुश्किल लगता है अब मुझे आकर यूनिवर्सिटी जाना पढ़ना, उफ। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जाएंगे करेंगे। पापा भाई मेरा वेट कर रहे हैं, मैं पापा के साथ जाती हूँ। लेट्स गो टू द यूनिवर्सिटी। मेरे पापा बेचारे मुझे छोड़ने जाते हैं क्योंकि मैं ना ड्राइव नहीं कर सकती बेसिकली सुबह सुबह। मैं यूनिवर्सिटी नहीं उतरूंगी, अभी हम यूनिवर्सिटी की बस के पास उतरेंगे और वो बस हमें लेकर जाएगी हॉस्पिटल, क्योंकि हमारी चल रही है हॉस्पिटल की रोटेशंस और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी उतरेंगे। अभी सारे बच्चे उसी बस में बैठ के हॉस्पिटल जाएंगे। तो लेट्स सी, मुझे बस इसी बात की टेंशन रहती है कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं और मेरी बस ना निकल जाए। अगर वो बस निकल गई बाद में इतनी दूर आप जाना पड़ेगा फिर मुझे। हाँ नहीं गई वैसे। ओके बाय बाय। यार अभी हम अपने यूनिवर्सिटी के फॉर्म प्रिंट करवाने हैं, तो आई विल टेक सम बबल्स। नहीं मैंने दे दी। ये यूनिवर्सिटी की बस आ चुकी है, अब इसमें हम अंदर बैठेंगे। डेटा लेना है, चल लिखा हमने, मुझे भी लिखवा सकता अपना लिख और फिर मुझे लिखवाएं। अच्छा यार, मैं और मेरे फ्रेंड्स बैठ के एनालिसिस कर रहे थे। कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी स्कूल और कॉलेजेस में जो है इन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स बंद की हुई हैं। ले हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स में तो बारिश की हुई है इन्होंने। हमने फाइनली डाटा वगैरह ले लिया, हम यूनिवर्सिटी वापस जा रहे हैं, बस की तरफ बैठ रहे हैं और बहुत गर्मी है। एक बहुत बहुत डिफिकल्ट टास्क है। वो लिखा हुआ है नो पार्किंग और नीचे गाड़ी पार्क, और वहां पे भी लिखा हुआ है नो पार्क और गाड़ी पार्क है। वाओ, अब थक चुके हैं ये कदम। यार मुझे तो कसम से बहुत ज्यादा मजा आ रही है। हमें बस वाले ने उतार दिया है बस के बाहर, यूनिवर्सिटी के बाहर। अब हम खवारी करवाते हुए यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। नाले पे खड़े होकर दिए, यूनिवर्सिटी जा रही है ना। यहाँ पे एक लड़के से लड़ाई हुई यहाँ पे बेसिकली ना। एक्चुअली में यूनिवर्सिटी आना इज अ खवारी, टोटल खवारी। कैफे में बहुत ज्यादा रश था, तो अब मैं और मेरी फ्रेंड बाहर आके अपना लंच जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। इसको उठा लो यहाँ, कंज्यूम कर रहे हैं लंच। हाँ मजे गए। किस चीज का सत्कार, बड़े हसीन लग रहे हैं। ये मेरी यूनिवर्सिटी का कोर्ट यार्ड है, सारे बच्चे जो यहाँ के डिपार्टमेंट के हैं वो क्लासेस से फ्री होकर यहाँ आके बैठ जाते हैं, वे फॉर एंजॉयमेंट आ जाते हैं और हम भी वही काम कर रहे हैं। हम कौन सा दूध के धुले ब्रो। लेकिन ना यूनिवर्सिटी आना इज अ वेरी 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 डिफिकल्ट टास्क फॉर मी। मेरी कोई फ्रेंड नहीं आई थी, सिर्फ ये आमना ने मेरा साथ दिया। यार आमना तू लव है, और लव है किसने? और एक वो
मोटिवेशन कॉल जानी चाहिए तुम्हें रात को। डर डर अब तूने ही बुला रखा है। मैं यूनिवर्सिटी में, मुझे याद आ गया फाइनली कि मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हुआ, एक मोटिवेशन चाहिए थी यूनिवर्सिटी आने के लिए, बट मेरे पास जीरो मोटिवेशन रह गई थी। मैं बस सोती जा रही थी, फिर सौरभ ने कहा यूनिवर्सिटी आ, मैं बाबा की मेरे बाबा की कॉल आ गई और वो लेने आ गया। फाइनली आदम ने छोड़ दिया। चल घर चले मेरे, नोट के ऊपर सिग्नेचर करवाने हैं तो उसने मुझे कहा रेडी रखो मैं आ रही हूँ, मेरा डेयर है ये वो, तो मैंने कहा आ जाओ मैं तुम्हें साइन कर दे। क्या क्या डेयर है, खर्चा करवा दिया मेरा इस डेयर के, 100 रुपया खर्चा हुआ गाइस। क्या लिखे तो उसके ऊपर यूनिवर्सिटी का लड़कों का कुछ भी हो सकता। नहीं नहीं ये ना मेरा दोस्त है। अच्छा क्या लिखा, ये चलेगा नहीं फिर, चल जाएगा बाद में, छोड़ो यार अपना ही पहन दे दो, मेरा तो चल ही नहीं रहा यार। अहमद, अहमद की स्पेलिंग ही भूल गई, इतनी देर भी सिंगल ही रहना था मुझे। बाय 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 बाय, ओके बाय। मेरे पापा और उनकी चलाकियां, उन्होंने कहा कि मैं गेट पे आ गया हूँ, बाहर आ जाओ ना, वेयर इज माय डैड, झूठ बोला मेरे साथ। ये ना इतने दूर होते हैं और कहते हैं कि मैं आ गया हूँ बाहर आ जाओ, एंड दिस इज वेरी रॉन्ग पापा। वो आ गए आ गए। अल्लाह, सो फाइनली यार मैं थक टूट के घर आ गई हूँ। ओके मैं तो बहुत सारा थक गई हूँ यार। हेलो मम्मी, अब आपको पता है मैं क्या करने लगी हूँ, देखते थे खाना खाया यूनिवर्सिटी में, बहुत कुछ खा कर, अब देखना मैं क्या करने लगी हूँ। जिंदगी का असली सुकून जो है ना वो बेड पे है यार, मजा आ जाता है यूनिवर्सिटी के बाद, थके टूटे जब आप आते हो ना और आके बस आराम करते हो, और ये मेरा दुख दर्द सिर्फ वही समझ सकते हैं जो यूनिवर्सिटी जाते हैं। मैं सुबह 7 बजे की गई, 4 बजे घर आई हूँ। मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप कौन से कॉलेज जाते हो, कौन से स्कूल जाते हो, कौन सी यूनिवर्सिटी जाते हो और क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या पढ़ रहे हो, सब कुछ कमेंट्स में बताओ कैसे सब क्या कर रहे हो। एक तो जिंदगी इम्तिहान लेती है, ऊपर से यूनिवर्सिटी वालों ने एक डिग्री खातिर अपना मारना पड़ता है, जाना पड़ता है, करना पड़ता है, बड़ा थक जाता है, वहाँ पे स्नेक्स के साथ अलग डील करना पड़ता है, क्या करें जिंदगी है यार, कोई नहीं करेंगे सब करेंगे। चलो यार मैं लगती हूँ थोड़ी देर सोने, खाना तो मैं खाई थी यूनिवर्सिटी से, आराम से सोती हूँ, सो के उठ के फिर कंटिन्यू करती हूँ। क्या है ऐसे क्यों देख रही हो, मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, छुट्टी कर तू मेरा पता, छुट्टी कर चलो और मुझे सोने दे। यार इतना ज़्यादा सो लिया है ना कि पता ही नहीं चला कि, पता क्या टाइम हो गया, मैं 4:30 की सोई, 1 बजे मेरी आँख खुल रही है। इसलिए ना यूनिवर्सिटी जाना मुझे अजाब लगता है। खैर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी से मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कर दो।